अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो, सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अरुण, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ह्यूंडई एलेंट्रा है पेट्रोल वर्जन है। तो बेसिकली क्या हुआ इसमें, इसका जो इंजन है इंजन ओवरहीट हो चुका है, सो ओवरहीट होने की वजह से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। और सेकेंड थिंग, आपको मालूम ही होगा ओवरहीट हो गया तो ज़्यादा सो इसका हेड गैस सीट का काम करना होगा। सो आज की वीडियो में बताऊँगा हमें इसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, जो मेन मेन चीज़ है इस वीडियो में सब कवर करने वाला हूँ। ह्यूंडई का एलेंट्रा है, तो इसमें क्या हुआ था, गाड़ी ओवर हीट हो गया था, जो अंदर जो फारेनहाइट का सिंबल है वो ब्लिंक हो रहा था, ओवर हीटिंग का जो सिंबल आता है। और सेकंड थिंग क्या, नीचे पानी पानी सब गिर गया था। सो आप देख सकते हैं, अभी मैं खोलता हूँ तो देखो कूलेंट है ही नहीं इसमें, और आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा लीकेज हो रहा है, ये सर थोड़ा लीकेज हो रहा है, पानी गिर रहा है। सो कुछ तो पाइप फटा था। सो अभी क्या हो रहा है, देखो देखो आप देख सकते हैं पानी टपक रहा है, देखो मतलब पाइप किधर फटा हुआ था, तो वही रीजन से। सो अभी मैं स्टार्ट करके बता था, अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इंजन का कंप्रेसर है जो कंप्रेसर बैठ गया पूरा। हाँ शेल्फ मार, मार बात छोड़ दे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इंजन का कॉम्प्रेशन एकदम बैठ गया है। सो मुझे मालूम है इसका हेयर गैस्केट खुलना है, तो भी सबसे पहला इसका जो प्लग का कंडीशन है, स्पार्क प्लग खोलूँगा। इसके इग्निशन कॉइल है, 1 2 3 4 चार इग्निशन कॉइल है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये 10 नंबर के बोल्ट है ये खोलूँगा, और इसका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग का कंडीशन बताऊँगा। कि नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी में ऐसे हेयर का काम जो भी निकलता है, तो हम लोग स्पार्क प्लग का जो कंडीशन है वो देख के समझ में आता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसके प्लग मैंने खोल दिया, ये देखो स्पार्क प्लग जो है सब खोल दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका स्पार्क प्लग का कंडीशन, इसमें क्या हो गया है, देखो ये पिस्टन रिंग जो गर्म होके पकड़ गया है, तो वही हिसाब से क्या पिस्टन एकदम कंप्रेसर बना नहीं रहा, मतलब फ्यूल को बर्न नहीं कर पा रहे, इसके लिए ब्लैक 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 स्पॉट आ गया, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब कैसा किया मैं, जो देसी नुस्खे होते हैं ना, मतलब प्लग खोल के ऑयल डाल के छोड़ा 5-10 मिनट, उसका स्टार्ट किया, सो क्या स्टार्ट हो गया। बट आप देख सकते हैं देखो एग्जॉस्ट से आप देख सकते हैं पूरा वाइट स्मोक आ रहा है, विच मीन उसका हेड है जो हेड लीक है, क्योंकि गाड़ी बहुत ओवर हीट हो गया है। अभी इसका जो खुशबू आ रहा है ना, मालूम पड़ रहा है कि जो ये फ्यूल है ना, फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है, देखो। सो इन जो पहले बोला था हेयर गैस्केट का काम करना, वो तो करना ही है, प्लस इसका वॉल्व व्हील का भी सब काम करके लेना पड़ेगा। बनकर खांसी आ रहा है, एग्जॉस्ट से वाइट स्मोक आ रहा था। सो क्या मैंने प्लग खोल के इसके अंदर इंजन ऑयल डाला था, और मतलब थोड़ा ही डाला था, 100 ग्राम के हिसाब से डाला था, जो कि फायर होने के अराउंड 2-3 मिनट का चले जाता है, लेकिन मैं 5 मिनट तक चालू रखा ही था गाड़ी, तो भी वाइट स्मोक जा नहीं रहा था, और इंजन भी मिसफायर कर रहा था, विच मीन अपना जो प्रॉब्लम है हेड में है। ये पेट्रोल का पाइप है, पेट्रोल का पाइप खोलूँगा मैं। सो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, सो लॉक को पहला खोलूँगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लॉक दिया है, सो क्या ये क्लिप को पकड़ के रखता है, और अपना निकाल दिया। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप ये जो इसका पाइप है, सो ये खोलना है, ऐसा ऊपर ही पता। सो इसके लिए क्या करना है, पहले पाइप को ना थोड़ा अंदर दबा के लेने का है, देखो अंदर दबा के ले लिए, तो जो स्क्रूड्राइवर है स्क्रूड्राइवर को इसको अंदर ले लेने का, आप देख सकते हैं स्क्रूड्राइवर से मैंने कटा दिया। सो उसके बाद ये ऐसा नोज पक्का डाल देने का, और साथ में इसको पीछे खींच लेने का। ये मैंने इधर स्क्रूड्राइवर है ना लॉक करके रखा हुआ है, और इसका इंजन खोलना है, क्योंकि इतना टाइट रहता ना
वो हिसाब से मैंने क्या किया है, यहाँ पे लॉक करके रखा है स्कूटर से, सो डैट इजीली खुल जाएगा। और इसका जो एक्सटेंशन लगा है ना मैं, इसको भी अच्छे से सपोर्ट दूंगा, अदरवाइज क्या होता है ये बोल्ट है ना स्लिप खाने का चांस रहता है, तो हिसाब से प्रॉपरली खोल देना उसको। आपको मैंने बताया इसका जो इंजन पुल्ली है, इसको पहला मैंने लूज करके लिया है, जो 22 नंबर के बोल्ट है। सो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका अल्टरनेटर का जो बेल्ट है ये मेरे को निकालना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है इसका, इसका अल्टरनेटर मतलब इसको जो वी बेल्ट बोलते हैं अपन, वी बेल्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे भी 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये बोल्ट लूज करूँगा और ये सेटिंग को खोल लूँगा, सो डैट ये जो बेल्ट है इजीली बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 12 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है इसका, तो इसको पहला लूज करना है। क्या है सेटिंग का बोल्ट रहता है ये, तो इसको थोड़ा लूज कर देना है और उसके बाद इसको खोल, इसको पकड़ के घुमाना है मतलब लूज करना है, सो बेल्ट लूज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैं लूज कर रहा हूँ, और साथ में जो इसका 14 नंबर का बोल्ट है ये देखो ये वाला, इसको भी लूज कर दिया मैं, सो डैट बेल्ट है जो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि जो बोल्ट रहता है ये अल्टरनेटर में जाम रहता है ना तो निकल नहीं पाता। ये देखो बेल्ट लूज हो गया और ये इजीली अभी बाहर आ जाएगा, लूज हो गया। और सेकेंड थिंग ये इसका वाटर पम्प का पुल्ली है, सो इसके भी 4 बोल्ट है, मैंने पहले लूज़ करके ले लिया है क्योंकि अभी लूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए जब बेल्ट टाइट था उसी टाइम मैंने लूज़ करके ले लिया इसको। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टैपेट खोल दिया, ये इसका चेन है, ये सब इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा जब फिटिंग के टाइम। जो चेन हिल रहा है इतना प्ले होना नहीं चाहिए, बट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने इसका इंजन पुल्ली का बोल्ट खोले ना, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है, सो इसके लिए थोड़ा लूज हो गया चेन, बट ये इसका कोई टेंशन नहीं है। और अभी मैं क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट स्टेप इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड है ये लूज करके लूँगा। सो इसके लिए भी कैसे 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए थे, देख सकते हैं 12 नंबर के नट बोल्ट दिए हुए, सो वो लूज कर दूंगा और इसका इंटेक मैनिफोल्ड है निकल जाएगा, प्लस ये जो पाइप्स है पाइप्स भी निकालूंगा, और जितने छोटे मोटे फिटिंग्स है मतलब फिटिंग्स इन द सेंस क्या, सब पाइप्स होते हैं, वैक्यूम पाइप्स होते हैं जैसे कैनिस्टर के हो गए, ये सब पाइप इसमें लगे हुए, सो वो सब रिमूव हो जाएगा इजीली और हो जाएगा अपना काम। आप देख सकते हैं ये इसका इंजन हेड है जो मैंने रिमूव कर दिया, सो आपको बता दो मैं, ये देखो ये जो ऐसा ये सब मॉइश ये सब पपड़ी जम गया ना उसका, ये देखो वॉल सब लीक हो गए इसके। सो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सरफेस फेसिंग करना पड़ेगा, प्लस जो इसका वॉल के सीट है पहले तो वॉल चेक करूँगा, मुझे लगता नहीं है वॉल चलने लायक है क्योंकि वॉल रिप्लेस करना पड़ेगा, जो भी है खुलने के बाद ही मालूम पड़ेगा, जो कंडीशन दिख रहा है तो वॉल भी जल गया रहेगा। सो वो हिसाब से हम देख सकते हैं पूरा कार्बन कार्बन है जो इसका इंटेक साइड है, आप देख सकते हैं पूरा जो था इंजन हेड मैंने डिसमेंटल कर दिया था, सो अभी हेड वेड सब बन के टर्नर के पास से आ चुका है। सो आप देख सकते हैं सरफेस मैंने एकदम क्लीन कर दिया है क्योंकि टर्नर मेरे को बोला था वो एडिट ज़्यादा हो गया है, सो हिसाब से उसने क्या बोला शेलैक है ना शेलैक लगा देना थोड़ा हेड गैस्केट पे, और मैंने क्या हेड गैस्केट इसका लेके आया है कि अपना जो लगा हुआ था वो है, ये आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही पतला है, ये देखो मतलब ओरिजिनल है। सो मैंने क्या किया अभी आफ्टर मार्केट वाला लेके आया, कि रीज़न है इसके पीछे क्योंकि हेड थोड़ा ज़्यादा फेस हो गया है, वो हिसाब से ये थोड़ा इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है ये देखो, और जो जूना वाला था जूना में जो गाड़ी के साथ लग के आया था वो एकदम पतला है। सो अभी क्या इतना फेस हो चुका है ये हिसाब से ये गैस्केट इसमें बेस्ट रहेगा, और क्या मैं ऊपर से शेलैक लगा दूंगा क्योंकि क्या कभी एल्यूमिनियम का ब्लॉक है कभी स्लाइटली भी आउट हो गया रहेगा वो शेलैक से क्या वो कवर हो जाएगा। सो हिसाब से अभी आफ्टर मार्केट हेड गैस्केट है ये लगाने वाला हूँ मैं, ऐसा इशू नहीं है कुछ दोनों सेम ही है, बट इसका थिकनेस की वजह से मैं लगा रहा हूँ, ये थोड़ा थिकनेस में कम है
क्योंकि मैं नया भी लूँगा सेम थिकनेस का मिलेगा ये, अगर ओरिजिनल हुंडई का लूँगा, बट मेरे को थिकनेस काम नहीं आने वाला, इसके लिए मैं आफ्टर मार्केट वाला लिया जिसका थिकनेस थोड़ा जा रहा है। पिस्टन के बोर्ड में मैंने ऑयल डाल दिया क्योंकि ऑयल एक टाइप का लुब्रिकेशन भी करता है और सीलेंट का काम करता है, सो इस हिसाब से ऑयल डाल दिया। सो आप देख सकते हैं ये शेल लेग मैं लेके आया हूँ, सो ये मैं लगा दूंगा हल्का, जो इसका बोर्ड है जो इसका ब्लॉक का सरफेस है वहाँ पे लगा दूंगा मैं हल्का हल्का, और हेड पे भी लगा दूंगा। आप देख सकते हैं शेलेग मैंने लगा दिया है, देखो जो हल्का सा भार गिरा है उसमें कुछ इशू नहीं आएगा क्योंकि ऐसा है बाकी कोई चीज़ को हार्म नहीं करता। बट इधर ध्यान देना ये इसका ऑयल का लाइन है, सो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब परफेक्ट रहता। सो अभी क्या इसके ऊपर जो हेयर गैस किट है ये, सो हेयर गैस किट है, हेयर गैस किट रख देना है इसे। ये देखो परफेक्टली हो गया एकदम। अब इसकी ऊपर भी लगा दूंगा और उसका सीधा हेड लगा दूंगा इसका। अब देख सकते हैं हेड का काम हो गया, पूरा आ चुका है एकदम। अब देख सकते हैं हेड फेसिंग किया है, देखो ये जो हल्का सा जगह दिख रहा है इधर भी शेल लेग लगा दूंगा क्योंकि हेयर थोड़ा ज़्यादा ही कट हो गया था वो हिसाब से। बाकी एकदम एकदम सब प्रॉपरली क्लीन हो चुका है आप देख सकते हैं, और इसमें पूरा कार्बन डिपॉजिट था उसे एकदम निकाल दिया। सो अब ये लगा दूंगा मैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंजन एयर मैंने फिट कर दिया, ये इसके हेयर के बोल्ट है, ये M12 का पाना लगता है इसमें, ये देखो M12 सीरीज का। सो कैसा है यहाँ पे भी बोल्ट होते हैं लेकिन ये जो बोल्ट है यहाँ जाएगा नहीं है देखो, ये क्योंकि लॉक हो गया, इसका सरफेस पे टच होता है। सो ये जो है ऐसे यहाँ पे लगते हैं, ये देखो इजीली चले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो बचे हुए चार है ना ये ऐसे सिंगल बोल्ट आते हैं, विच मीन इस पर वाइसर नहीं लगे रहते बोल्ट के साथ, क्योंकि आपको जो दिखाया था मैं ये देखो इस पर विद वाइसर इनबिल्ट लगा हुआ है, सो ऐसा लगते हैं। सो इसका अलग से वाइसर आता है, देखो आप देख सकते हैं ये देखो। सो क्या करना आप देख सकते हैं वाइसर है, सो वाइसर जो एकदम प्लेन सरफेस है वो ऐसा नीचे की तरफ आएगा, देखो जो प्लेन सरफेस है वो नीचे की तरफ आएगा, ये देखो ऐसा आएगा, उसके ऊपर जो बोल्ट है वो लगेगा क्योंकि चारों के लिए जगह नहीं है ना, इसके लिए पहला इसमें वाइसर लगेगा इसके बाद इसका बोल्ट लगेगा, क्योंकि बाकी के जो बोल्ट है इनबिल्ट वाइसर के साथ दिया हुआ है, सो इसमें ऐसा करना होता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंजन हेड मैंने फिट कर दिया, सो अभी टाइमिंग वीमिंग का सब है वो बाद में बता रहा हूँ। सो पहले जो साइड के फिटिंग्स है जैसे ये सब यहाँ पे एल्बोस लगे हुए हैं, देखो जो इसका पानी का एल्बो है वो सब लगा देना है। आप देख सकते पूरा रश पकड़ रहा हूँ, बट ऐसा कुछ इंटरनल डैमेज ज़्यादा हुआ नहीं, सो यही लगाने वाला हूँ अभी मैं, बस जो इधर जो कार्बन वो फॉर्म हो गया मतलब रश फॉर्म हो गया उसको थोड़ा क्लीन कर दूँगा, क्लीन करने का लगा दूँगा। ये बेसिकली क्यों होता है जब कूलेंट रहता नहीं ना गाड़ी में तब ऐसा रश फॉर्म होता है इस पर, सो क्लीन कर लूँगा। और इसका ओरिंग है, ओरिंग भी थोड़ा क्लीन करके हल्का सा सिलिकॉन लगा के लगा दूंगा उसको। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका VCD सोलेनोइड है, आप देख सकते हैं इसके जो इधर पोर्ट दिए हुए ये देखो ये पूरा ऑयल जाके स्टक हो गया ये। सो क्या करता है ये कि अपने को क्लीन करके लेना पड़ेगा, अगर ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली प्रेशर जनरेट करके कैम को एडवांस स्टार्ट नहीं करेगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। सो आप देख सकते पूरा ऑयल चिपक गया पूरा इसमें, सो ये सब क्या क्लीन करके लेना भी, इसमें जाली दिए ले पतले पतले तो ब्लॉक नहीं होना मांगता, सो इसको भी सब क्लीन करना है, ऐसे दो आते हैं दोनों मेरे को क्लीन करके लेना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो टैपेड है, टैपेड भी मैंने लगा दिया हो मतलब ये इसको टैपेड बॉटल बोलते हैं और ये जो है इसको रॉफराम बोलते हैं।
सो ये भी लगा दिया हूँ मैं, और आप देख सकते हैं इसका हेड के बोल्ट है। सो ये भी ये M12 सीरीज का पाना आता है, ये देखो। सो आप देख सकते हैं ये भी सब मैंने हेड के बोल्ट भी टाइट कर दिया और ये रॉकर आर्म्स भी लगा दिया। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके ऊपर एक प्लेट लगेगा और प्लेट के ऊपर कैम लगेगा। सो इसका प्लेट है, प्लेट लगा के लेना मेरे को। प्लेट आता है, सो प्लेट किधर क्या, मैंने हल्का सा सिलिकॉन पेस्ट लगा दिया है, देख सकते हैं आप। ये हल्का सा यहाँ पे सर लगा के ले लेना होता है, और इसका इधर होल ऑयल का लाइन रहता है। सो इसके बाजू में भी ओरिंग्स रहते हैं, यहाँ पे इसका ऑयल का लाइन रहता है, ऐसे ऑयल का लाइन बंद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी ऑयल का लाइन है, ये जो है इसके VVT कैम को एडजस्ट करता है, मतलब एडवांस हीटर करता है, और इसको भी दिया हुआ है। सो क्या है, पूरा असेंबली ऐसा लग जाएगा, और देख सकते पूरा असेंबली ऐसा लगेगा। बोल्ट होते हैं 12 नंबर के बोल्ट है, उसको टाइट कर दूंगा, उसके बाद अपना कैमशाफ्ट लगेगा। आप देख सकते हैं अभी कवर बिठा दिया, उसमें मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या, इसका जो कैमशाफ्ट है, इंटेक और एग्जॉस्ट कैम दोनों बिठा दूंगा मैं, तो उसके बाद इसका कैप लगा के उसको फुल टाइट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कैप मैंने सब लगा दिया है, देखो ऐसा कैप लगता है। सो लगा दिया, सो इसमें क्या, इसमें देखो आप देख सकते हैं नंबर पंच किया हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये एरो मार्क भी दिया है, मतलब जो एरो का फेस फ्रंट के तरफ रहता है, जो नॉर्मल सब गाड़ियों का यूज़ करती है वैसे ही है, जो एरो फ्रंट तरफ होता है। सो भी सेट कर दिया हूँ मैं, और सेकेंड थिंग आप देख सकते हैं, अब इधर का मुझे लगाना है। सो आप देख सकते हैं को मालूम होगा कैम में ये सब पोर्ट दिया हुआ है। सो एक चीज़ ध्यान देना है, जितने भी पोर्ट है ना, पोर्ट सब क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज ऑयल अगर प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा, या फिर मिस फायर का फॉल्ट आएगा इसमें। सो ये दोनों कैम में ऐसा दिया हुआ है, देखो होल्स दिए हुए। सो ये सब प्रॉपरली एकदम क्लीन होना होता है। तो इसके बाद जो है ये मैं ये लगा दूंगा इसमें। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी मैं इसका टाइमिंग मिलाने जा रहा हूँ, मतलब टाइमिंग चेन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं पहला स्टेप जो होता है अपना चेन गाइड है, वो लगा दिया हूँ मैं, और इसका अभी टाइमिंग चेन डालने वाला हूँ। तो इसका टाइमिंग क्या, वो पहले सेट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, सो ये डॉट है और चेन में भी कलर कोड है, सो इससे मैच हो जाएगा। इसका इंटेक का कैम, ये इसका एग्जॉस्ट का कैम हो गया, ये इसका इंटेक का। सो इंटेक में भी एक डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, बट उसको नहीं देखना अपने को, ये जो डॉट है डॉट को देखने का। इसके ऊपर भी चेन का कलर कोड आएगा जो बैठ जाएगा। और थर्ड इसका जो क्रैंक का टाइमिंग है, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी एक डॉट दिया हुआ है। सो ये इसका क्रैंक का टाइमिंग है, सो इसमें भी कलर कोड है, ये देखो ये डॉट। सो चेन में कलर को रे इससे मैच कर देने ना, विच मीन अपना टाइमिंग हो गया परफेक्ट। आप देख सकते हैं इसका टाइमिंग चेन है, जो मैं कलर कोड का जो बात कर रहा था, आप देख सकते हैं गोल्डनिश कलर दिया हुआ है तीन जगह, मतलब दो कैम का कलर कोड है, क्रैंक का है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, कलर कोड के अकॉर्डिंगली ये लगा दूंगा मैं। आप देख सकते हैं चेन मैंने इंस्टॉल कर दिया है, थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि ये प्लंजर टाइप रहता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, अपने को पानी से पकड़ के रखना पड़ता है। सो मैं अकेला था, सो मैं इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, ये देखो। और सेकंड थिंग जो इधर मार्किंग दिया है, देखो जो लाइन दिया हुआ है वो भी आपस में इंटरसेक्ट हो गया है, विच मीन टाइमिंग अपना प्रॉपर है, क्योंकि ये जो है VVD कैम है, मतलब ये कैम में भी कभी इशू आता है, कैम का पुली रहता है ना, तो जब हम निकालते हैं तो ये मार्किंग पे लेके लगाना पड़ता है, बट अपने को अभी ज़रूरत नहीं था क्योंकि मैंने ये खोला नहीं है। सो अपना जो मार्किंग था अभी, ये देखो आप देख सकते हैं, ये देखो गोल्डन कलर का कोड दिया, कलर कोड उसके सामने डॉट है, इस पर मिलाना है, इस पर कुछ नहीं करना है, इस पर एरो मार्क दिया है, उस पर कुछ नहीं करना अपने को। और आप देख सकते हैं कलर कोड दिया हुआ है और इसके सामने मार्किंग दिया हुआ है, तो ये भी टाइमिंग अपना मिल चुका है। तो अभी क्रैंक का टाइमिंग है, चलो आप देख सकते हैं कलर कोड दिया हुआ है, कलर कोड के सामने
ये दिया है देखो, सो विच मीन ये भी टाइमिंग अपना आ गया प्रॉपर, आप देख सकते हो। सो टाइमिंग इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ क्या करना, जब चेन लगाते हैं तो प्लंजर टाइप है, मतलब दो आदमी का मदद लगता है इसमें, नहीं तो क्या क्या मैं ऐसा घूम जाता है, क्योंकि स्प्रिंग का टेंशन रहता है ना, और इसका ऑटो टेंशन है रे, ये देखो। सो टेंशन है को मैंने लॉक करके रखा हूँ, लोग क्या करने का है, इसको सिर्फ जो खीले से लॉक किया उसको पुल कर देना है, और पुल कर दूंगा उसके बाद जो टेंशन है ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा, और ये टेंशन के दो बोल्ट है टाइट कर दूंगा मैं। आप देख सकते हैं अब जैसा चाहिए वैसा चेन टाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक, देख सकते हैं। मैंने एक राउंड घुमा के चेक किया कि मैं जो कलर कोड पे रखा था अभी कलर कोड स्किप हो गया है, देखो अभी है नहीं, क्योंकि एक ही बार आता है और न जाने उसके बाद कितना राउंड घुमाने का था, बट ये मार्किंग देख सकते हैं, मतलब कन्फर्मेशन के लिए अपन ने चेक किया, देखो ये मार्किंग आ गया परफेक्ट, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाला हुआ है सो दैट अपने को TDC पोजीशन मालूम पड़ेगा। सो TDC पोजीशन भी हो गया है, TDC मीन्स पहला वाला पिस्टन टॉप पे आ गया है, तो उस हिसाब से क्रैंक का भी टाइमिंग आ चुका है, ऊपर से जो कैम का टाइमिंग वो भी परफेक्ट कर चुका है, और टेंशनर भी अपने लोकेशन में सब निकल मिल गया। सो आप देख सकते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं टाइमिंग कवर लगा दूंगा मैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा वीडियोज़ नहीं रहेंगे, उसका स्टार्ट करने के बाद का ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको बता था मैंने, इसका मैंने इंजन हेड ओवरऑल किया, सो मेन चीज़ क्या हो मैं बता था आपको मैं, सो अभी मैं क्या गाड़ी ट्रायल पे जाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स क्या है, अभी मैं गाड़ी को ट्रायल पे लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि रात का समय है सो इसके लिए एकदम इजीली चला सकते अपन। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अराउंड 80-85 किलोमीटर चला है मैंने, सो सब चीज़ एकदम प्रॉपर है, कोई भी DTC या फिर कोई चेक इंजन लाइट कोई भी शो नहीं हुआ, सब चीज़ एकदम परफेक्ट है, और कोई जर्किंग वर्किंग कुछ भी फील नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इतना चला चुका हूँ, अभी मैं कंटिन्यू पहले 12 बजे निकाला था, सो अभी 2 बजे है रात के, सो अभी कैसा, अभी ठंडा हो जाएगा ना जब सुबह, और सुबह ठंडा होने का चेक करेंगे कैसा क्या है, ठंडा होने का बोलते ना VVT कैम है, आपको बताया था उसका कैम है जो एडवांस रिटायर्ड एडवांस होता है, सो इस हिसाब से ठंडे में एक बार चेक करते कैसा क्या है। अराउंड 70-80 किलोमीटर्स का ट्रायल लिया था मैं, सो अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग के 9 बजे, सो विच मीन 7 घंटे के आसपास बोलते हैं ना गाड़ी ठंडा हो चुका है, सो अभी मैं स्टार्ट करूँ, मतलब मॉर्निंग स्टार्ट कर देना, आप देख सकते हैं एक ही शेल्फ पे स्टार्ट है, और अभी RPM थोड़ा फास्ट है, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट में RPM नॉर्मल हर गाड़ी में फास्ट ही रहता है, आप देख सकते हैं RPM थोड़ा एक के ऊपर है, एक पे मतलब 1000 RPM के अराउंड है, वो होना सही है, क्योंकि जब कोल्ड स्टार्ट रहता है आप देख सकते हैं टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर भी एकदम ठंडा है, मतलब अराउंड रहेगा 30 डिग्री के आसपास रहेगा, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर भी 27-28 दिखा रहे हैं वो हिसाब से। सो जैसा गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक जो RPM नीचे आ जाएगा, मतलब 750-800 के अराउंड आ जाएगा, बीच में अपना कार एकदम परफेक्ट हो चुका है। देखो ये RPM क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो नॉक सेंसर लगा होता है इंजन ब्लॉक पे, वो सेंस करता है ब्लॉक का टेम्परेचर, अगर ब्लॉक का टेम्परेचर सफिशिएंट वैल्यू तक नहीं जाता है तो क्या करता है, इंजेक्टर अपना पेट्रोल का फ्लो है बढ़ा देता है, इसके लिए जो इसका RPM है RPM फास्ट होता है, सो ये इसका रीज़न है। इसका एग्जॉस्ट है साइलेंस है, देखो कोई भी वाइट कोई भी कुछ भी स्मोक नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, देखो अब देख सकते हो। और इंजन भी देख सकते हैं आप, कुछ जर्किंग वर्किंग कुछ नहीं, एकदम स्मूथ है।
एकदम परफेक्ट स्टार्ट है।